तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं घूमने, मैं, मेरा भाई और रितु। तो हम लोग का आज का प्लान बना था कि आज हम जाएंगे कहीं घूमने, तो आज हम जा रहे हैं फिनिश प्लासियो। तो अब दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। देखिए मौसम भी कितना सुहावना है, और अभी थोड़ी देर बारिश हुई थी, अब बारिश रुक भी गई है, तो व्यू भी कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको अब चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी अपार्टमेंट्स लग रही हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी, और कितनी अच्छी हरियाली लग रही इधर साइड, ये देखिए। तो ये अपार्टमेंट्स आ गए हैं सारे बड़े बड़े। तो आगे भी ऐसे ही बहुत सारे फ्लैट्स मिलेंगे। तो बहुत, मतलब ये एरिया बहुत कंस्ट्रक्ट हो गया, अब इतना सुंदर लगता है। तो देखिए ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इधर भी, ये देखिए कितने बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। और इधर साइड भी वही फ्लैट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो फिर हम थोड़ा आगे का भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए स्टैचू आ गया है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। और इतना क्लीन रोड लग रही है, इतना साफ सफाई, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि फॉरेन में आ गए हो, लेकिन हमारा लखनऊ भी फॉरेन से कम नहीं है भाई। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है एकदम एनवायरनमेंट, और रोड, और गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा ऐसे तो। ये देखिए ये यहाँ पे भैंसे नहा रही थी पानी के अंदर, मज़ा ले रही है भाई गर्मी का मौसम। और आगे से हमारा ये कान्हा स्टेडियम, इकाना स्टेडियम, यहाँ पे क्रिकेट मैच होता है अक्सर, जब भी मैच होता है तो कभी कभी लखनऊ में भी हो जाता है। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स भी आए हैं हमारे यहाँ लखनऊ में। तो अभी थोड़ी देर में आपको इकाना स्टेडियम भी दिखाते हैं आगे पहुँच कर। तो ये देखिए हमारे कान्हा स्टेडियम भी आ गया है भाई। बस आप देखते देखते मज़ा लीजिए बस भाई, बाकी घूमने कभी आइए फिर हमारे लखनऊ में भी, और बहुत सारी जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। हाँ ये देखिए कान्हा स्टेडियम हमारा। अब आगे बस आगे हमारा ये फिनिश प्लासियो, इट इज़ द बिगेस्ट मॉल ऑफ लखनऊ भाई, बड़ा मॉल कहा गया है इसे। फिर उसके बाद एक और मॉल है लुलू मॉल ना ऐसी। तो अब हम जा रहे हैं, तो देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ मॉल मॉल में आ चुके। आज संडे भी था तो आज सब लोग घूमने भी आए हैं, तो हमने भी सोचा चलो हम लोग भी चलते घूमने भाई। तो देखिए आ गया मॉल, अब पार्किंग वार्किंग होगी उसके बाद हम जाएंगे मॉल के अंदर, दिखाते हैं अब आपको। देखिए कितनी सुंदर लग, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं रितु आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी एकदम मस्त हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम के 6 बजे से। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने दिक्की यूट्यूब चैनल सपू ब्लॉग्स उत्तराखंडी में। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं फिनिक्स मॉल में, लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल। मैं और दीदी और भैया आ रखे हैं, ये रहे, तो दिखाते हैं अभी आप लोगों को। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं अब एंट्री करने मॉल के अंदर। तो ये हमारा देखिए फिनिक्स मॉल। अब देखिए ये सामने जो दिख रहा है ये बनी लैंड है, ये बहुत ही बड़ा रैबिट है यहाँ पे, और यहाँ यहीं पे सब लोग अपनी फोटो क्लिक्स करा रहे हैं। यहाँ पे स्टारबक्स कैफे, ये देखिए बनी लैंड, ये देखिए कितने लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। देन अब हम लोग एस्केलेटर में जा रहे हैं, और रितु पहली बार जा रही थी एस्केलेटर में और डर गई बेचारी। चलो कोई बात नहीं होता है। तब जा रहे हैं, तब ये देखिए सैंडल्स फुटवेयर का शॉप है इधर। अब हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे एक एक करके। उसके बाद ये हेज़लनट फैक्ट्री है इधर साइड, मतलब यहाँ सारे ब्रांड के आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्लोथ हो गया, फुटवेयर हो गया, क्लोथिंग का। अब हम आगे जा रहे हैं,
ये देखिए स्मार्ट बाजार, यहाँ पे मतलब कि खाना, घर की चीज़ें, हाउस होल्ड की चीज़ें मिल जाएंगी आपको, मैगी और जैसे घर के क्लीनिंग प्रोडक्ट, हर चीज़ आपको मिल सकती है यहाँ पे। उसके बाद हम एस्केलेटर से नीचे को जा रहे थे, हम लोग ऊपर को घूम कर अब हम नीचे को जा रहे हैं। इतना सुंदर लग रहा है ये, और देखिए कितनी आज भीड़ भी है मॉल के अंदर, हर जगह आपको कोई ना कोई दिख ही जा रहा है। और इतने अच्छे अच्छे सब लोग कपड़े पहने हुए, अब सामने देखिए इतने अच्छे अच्छे, ये देखिए बनी लैंड। अभी हम लोग बाहर आ गए हैं पार्किंग से अपनी स्कूटी लेने के लिए, तो ये भी देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं सब लोग। और ये बाहर से कितना अच्छा व्यू लग रहा है, देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कि बड़ा ताज होटल होगा, बट वाह। अब हम लोग जा रहे हैं घर को, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा हमारा। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है वो, देखिए काना स्टेडियम है। और यहाँ पे बाहर बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, मतलब जो जो बाहर खा सकता है, ये भी बहुत अच्छा है। तो हम जा रहे हैं घर के लिए, ये देखिए कितनी कितनी सारी गाड़ियाँ हैं इधर साइड, पार्किंग में लगी हैं सब। मतलब शाम का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे सुबह भी लोग जाते हैं घूमने के लिए लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन शाम का देखिए कितना सुंदर लग रहा है वो, देखिए फिर इस प्लासियो लाइटनिंग बहुत सुंदर लग रहा है। अभी और अंधेरा होगा तो और चमकेगा, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बाय फिर इस प्लासियो। तो देखिए अब हम जा रहे हैं फिर से, देखिए बिल्डिंग्स फ्लैट, आई थिंक ये मैक्स सिटी है, मैक्स बिल्डिंग आई थिंक। फिलहाल अब देखिए हाई लाइट्स भी चमक रही है, देखिए अभी रात का समय, जाते जाते जा रहे हैं पहुँच रहे हैं। भीड़ देखिए भाई रात में, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है फिनिश प्लासियो लाइटनिंग में, ऐसी चमक रहा है, वाओ ब्यूटीफुल यार, चम 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 चमक रहा भाई। ये देखिए आगे काना स्टेडियम, देखिए कितना अच्छा चमक रहा है, देखिए मतलब भाई रात का नज़ारा ही बहुत सुंदर है भाई, देख रहे हैं लाइट, उसके बाद इतना सुहावना मौसम रात का, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया भैया। सो गाइज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी दीदी के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग।